चंपावत कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक जघन्य वारदात सामने आई है। अमोड़ी क्षेत्र के 3 युवकों ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने 3 में से 2 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है, एक फरार है। कोतवाल प्रताप सिंह नेगी ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 3 युवकों ने एक गांव की एक नाबालिग का पहले अपहरण किया और इसके बाद उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म किया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 137, 127, 142, 70, 74 और पोक्सो के अंतर्गत रवीश भट्ट, संजय भट्ट और योगेश पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तीनों आरोपित शख्स अमोड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने रवीश भट्ट और योगेश भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपित युवक योगेश पाल फरार है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही चल रही है। मामले की जांच SI राधिका भंडारी कर रही हैं। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।